अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर मोमोज और उसकी चटनी। चटनी के लिए हमें चाहिए, हमने 3 टमाटर लिए हैं, 6 लाल मिर्चें ली हैं, 8-10 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको हमने इसे काट लिया है। और इसको हम उबाल लेंगे, उबाल कर पीसेंगे। और मोमोज की स्टफिंग के लिए लिया हमने पत्ता गोभी, और ये जो है पनीर है हमने महीन महीन पीस के काट के रखे हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी हमने महीन काट लिया है। 2 हरी मिर्चें भी महीन काट ली हैं, और ये 4-5 लहसुन की कलियां भी हमने महीन महीन काट ली है, और ये एकदम मीडियम प्याज भी महीन काट के रखा है। इसकी हम बनाएंगे, इसको स्टफिंग करेंगे। अब हम मोमोज के लिए डो तैयार करेंगे। हमने एक बाउल लिया है, इसमें 2 कप मैदा लेंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे और उसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। डो बन के तैयार हो गया है, अब इसको हम ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने से पहले ये हमारी चटनी का सामान जो है ये बॉयल हो चुका है, तो इसको जो है हम पहले जो है बना लेंगे। इसका छिलका हम छील देंगे टमाटर का। ये मिर्चा अच्छा सब हम जार में डाल लेंगे, ये टमाटर भी डाल लेंगे इसी में, और नमक डालेंगे 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच ये विनेगर डालेंगे हम। और ये 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, और 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। ये चटनी हमें पीस गई है, अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। चलिए अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखो तेल हो गया, अब इसमें लहसुन डालेंगे, ये अदरक डालेंगे, और ये मिर्चा डालेंगे। अभी लहसुन अदरक हो गया है, अब इसमें ये प्याज डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये प्याज हो गई है, अब इसमें हम पत्ता गोभी डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप जायके के अनुसार डाल सकते हैं। ये 1/2 चम्मच जो है गरम मसाला डालेंगे, और ये 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब ये जो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसको भी डाल देंगे इसी में। और इसमें 1 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे, और 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। अब
अब ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम अपना जो दो की लोई बनाएंगे और मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। सारी लोइयां बन गई है, अब हम इसको बेल लेंगे। इसी तरह से जो है सब हम बना लेंगे। ये देखिए हमने ये बेल लिए हैं सारे। अब इसमें हम जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो भरेंगे। ये हमने रखा है, इसके चारों तरफ हम पानी लगा लेंगे थोड़ा। स्टफिंग डालेंगे और इसको इस तरह से चुन देते हुए इसी तरह से चुन देते हुए इसको बनाएंगे और ये इस तरह से ही बन जाएगा। देखिए इसी तरह से सारे हम बना लेंगे। पानी लगाएंगे चारों तरफ और इसमें और इसी तरह इसको भी चुन देते हुए बना लेंगे। देखिए ये बनके तैयार हो गए हैं। अब हमने भगोना पहले ही से चढ़ा दिया था, उसमें छन्नी रख दी है, उसमें ये हम मोमोज डाले रखेंगे। जैसे कि पानी जो है इसमें खोल गया है, अब इसमें हम ये मोमोज लगा देंगे स्टीम होने के लिए। इसको जो है इसको ढक देंगे, इसको स्टीम कर लेंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए ये स्टीम हो गए हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये मोमोज बनके तैयार हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी हमारी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।